नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। तेल के दाम बढ़ते जा रहे और महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। आज दरभंगा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव एवं युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष कारी स्वैब के निर्देश एवं युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के जिला अध्यक्ष किशोर कुमार प्रजापति एवं महानगर अध्यक्ष श्री राकेश नायक की अध्यक्षता में युवा राष्ट्रीय जनता दल के फौलादी सिपाहियों ने दरभंगा रोटरी क्लब से लहरिया सराय टावर तक मोटरसाइकिल की अर्थी भी निकाली और वहां पर पुतला दहन भी किया। गैस सिलेंडर आदि सामान की सामग्रियों के साथ देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल एवं घरेलू गैस के मूल्य में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला और जिला मुख्यालय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया। इस अवसर पर युवा जिलाध्यक्ष किशोर कुमार प्रजापति ने क्या कहा वो भी सुनते हैं और राकेश नायक ने क्या कहा वो भी सुनते हैं। और साथ में भी कुछ पेट्रोल पंप पे हम गए थे, वहां से लोगों की राय भी ली और उन्होंने कुछ अच्छे दिनों की भी याद दिलाई। आइए वो भी सुनते हैं साथ में इसके। नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 गैस पर मेरा वृद्धि करना यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दा से विहीन करते देशभक्ति आड़ में आतंकवाद के आड़ में कहीं ना कहीं पूरे देश को बेचने का काम कर रही है, पार्ट में पार्ट हर हिस्से पे काम कर रही है। आज उन्हीं चंद मुद्दों को लेकर के युवा राष्ट्रीय जनता दल महानगर इकाई है, राष्ट्रीय जनता दल की जिला इकाई आज दरभंगा के सड़क चौतरे हैं और डीजल पेट्रोल और घरेलू गैस के दामों में इस तरीके से आप लोग वृद्धि हो रही है। उन मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने सरकार को देने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी का मुद्दा बनने का काम किया है। विपक्ष के लोग सरकार से ये मांग करते हैं, जिस प्रकार से जब ये विपक्ष में थे और पेट्रोलियम का जो प्राइस हुआ करता था, घरेलू गैस का जो प्राइस हुआ करता था, आज इस प्राइस को वहीं पे लाके रखें तो बेहतर है। देश में कहीं ना कहीं महंगाई चरम पे जा रही है, लोग का अगर खर्चा बढ़ेगा तो खर्च करेगा और देश की विकास दर तो वैसे ही नीचे जा चुकी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज बहुत सारा बिहार के विरोधी दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष कारी स्वैब जी के आदेशानुसार पूरे बिहार में जो एक ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, इसी के तहत दरभंगा के सरजमी पे युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और साथी लोग और नेता लोग आज जिस देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल और गैस का महंगाई का मार जनता खा रही है, इन तमाम बातों को लेकर के आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। इस बात का संकेत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप जो विश्वासघात कर रहे हैं भारत के नागरिकों के साथ, भारत के जनता के साथ, एक मन कम से कम मत कीजिए, क्योंकि आप देश बेचने के कगार पे का प्रधानमंत्री आप मनपोषित हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं। कम से कम देश को मत बेचिए, क्योंकि जो हमारे लोग देश को आज़ाद कराए हैं आज ऊपर से रो रहे होंगे, कम से कम उनके आंसू का भी आपको कद्र करना चाहिए और इस देश को बेचने के कगार पर मत ले जाइए। तो जिस तरह के महंगाई पूरे देश में, एक तरफ किसान रोड पे है, एक तरफ देश के नागरिक रोड पे है, इसलिए आह्वान करते हैं हम आज माध्यम से कि आप पेट्रोल डीजल और गैस का दाम जो मूल वृद्धि है उसको रोकिए और देश का नागरिक कैसे खुशहाल होगा, क्योंकि आप वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, विभिन्न तरह का जो नारा था इनका ये मामला खत्म है। इसलिए कम से कम देश में पेट्रोल डीजल का दाम वो जो बढ़ा रहे हैं उसको कमाने का काम करें, वरना ये जनता जिस तरह आपको गद्दी पर बैठाई है, आपको आपके मने रवैया को पहचान गई है, आपके पहचान गई है, आने वाला दिन आपको गद्दी से उतार के पूरा वहीं भेजेगा जहाँ से आप आए। पेट्रोल का दाम जो डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है, इसका आप लोगों का क्या कहना है? जी हम लोग परेशान है सर, ये तो जितने इनकम है उससे कहीं अधिकांश जो है तो लॉकडाउन में जो सरकार ने फायदा दिया था, 5-5 किलो अनाज दिया था, 1500-1500 रुपए खाता में दिया, चना भी दिया, ताकत के लिए दवाई भी दिया, उसका पैसा सरकार कैसे वसूलेगी? अभी सभी को नहीं मिला सर, किसी को भी मिला 1500 रुपया आज तक हमारे भी अकाउंट में नहीं आया। हमारे मोहल्ला किसानों को 6-6 हजार रुपया मुफ्त में दी जा रही है, जिसके पास सर 100-200 कट्ठा जमीन है ना, 20 कट्ठा जमीन उसी को मिलता है। चलिए हम दिखाते हैं 100 हजार जो उदाहरण देते हैं, जिसके पास जमीन नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता है। आमदनी भी तो बढ़ गई, तभी तो लाइन लगा गया पेट्रोल भरना है। 25-50 का डलवा रहे हैं, मजबूरी है 25-50 का, 25-50, 100-150 ऐसे डलवाना पड़ रहा है सर। पहले था 500 डलवाते थे, 73 रुपये तेल हुआ था 2013 में। एक बात बताइए, 2014 में जब 165 रुपये बैरल था तब तेल था यहाँ पे 60-63, आज 60 रुपए है, फिर भी यहाँ पे 100 रुपए है। यही तो अच्छे दिन की पहचान है। अच्छा, ये अच्छा दिन है, यही तो अच्छे दिन है मोदी जी के, और क्या रहेंगे सर। अच्छा, आपका नाम?
अच्छा रोहित चौधरी। आप क्या काम करते हैं? मैं कर्मकांड करवाता हूँ। क्या कराते हैं? कर्मकांड करवाता हूँ। खेती बाड़ी में बताया 2-3 बीघा 4 बीघा सरकार दे रही है। अच्छा आप किसान हैं? जी जी। 6,000 रुपया आपके खाते में अभी तक नहीं गया है? नहीं सर। लेकिन सब तो बोला है खाता में चला गया। हमारे पास गया है नहीं भाई, ऑनलाइन किया हुआ है, नहीं आया। कितने दिन पहले ऑनलाइन किए हैं? 2019 में किए हैं। 2019 में ऑनलाइन किए थे? जी जी। बाढ़ का पैसा मिला था? बाढ़ रहा के पड़ गया था। नहीं नहीं, बाढ़ में डूबने वाला पैसा नहीं, नहीं फसल वाला। नहीं फसल वाला अभी राहत नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। 2019 का? ये 2019 में भी 20 में भी नहीं मिला है। ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद अजीम। अच्छा, जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, आप लोग की कमाई पे क्या असर अभी तक? कमाई पे पूरा ठप पड़ गया है। क्या नफा नहीं हो पा रहा? करता है पब्लिक मार करता है। भाड़ा मांगिएगा 40 रुपया कम कर ना, दरभंगा से कहेगा 40 रुपया भाड़ा है, 20 रुपया में आते जाते हैं। तो आप लोग का एसोसिएशन ने कोई भाड़ा बढ़ाने की अभी क्या? टेम्पो वाले का कोई माए बाप नहीं है, टेम्पो वाले का कोई माए बाप नहीं। प्राइवेट कंपनी वाला अगर कोई डलाना अपनी मजदूरी निकलेगी तो गाड़ी के नहीं, गाड़ी के निकालिए तो अपनी। क्या इस सरकार से खुश है? इस सरकार से खुश है बाबा? अरे सरकार से भी देखिए सारी दुनिया खुश है। वाह, ये किसान का डब्बा है और तेल भी है और तेल की धार भी है और किसान के ऊपर महंगाई की मार भी है और इस देश की जनता पे भी मार है। हमारे साथ मौजूद है किसान कमतौल के। कितने का तेल भरा रहे हैं? सर 500 का। महंगाई इतना है जो पैसा नहीं पुरता है, कोई किसान देने ही चाहता है पैसा, दे हम पैसा दे अगला भरा दे। और अच्छा एक बात बताइए, ये जो दिल्ली में 3-3 जगहों पे राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ बैठ करके, बिहार के किसान क्यों नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पे? नहीं बैठा है, किसी का एकता नहीं है। अच्छा, बिहार में एकता नहीं है? एकता नहीं है, नहीं तो अगर इतना हल्ला हुआ है, सब अपना अपना जगह पर कहीं पर कैंप लगा के व्यवस्था लगाता, कहता महंगाई घटाओ बढ़ाओ क्या हुआ है, इस जगह पर तो कोई सुविधा है नहीं। अच्छा, ये जो पेट्रोल पे सरकार बोल रही है सेल्स टैक्स ले रहे हैं, किसानों के लिए ले रहे हैं, आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग भी तो तेल खरीद रहे हैं ट्रैक्टर में, क्या करेगा, भूखे मरेगा। अगर जो अगर धारा में नहीं चलाएगा, खेत किसी का जोतेगा नहीं, कौन कैसे खाएगा किसान? आपसे हम जोतेंगे, हमरा से कोई दूसरे जिएगा, दूसरे से कोई दूसरे जिएगा। महंगाई जो बढ़ा है हर चीज का, एक ही आदमी बनिया पर बढ़ा है, किसान पर बढ़ा है। किसान का धान गेहूँ का कोई रेट है? अभी 1200 का गेहूँ मिलता है, किसी टाइम में हुआ था इस टाइम में 1200 का गेहूँ, 2000-2500 का रहता था गेहूँ, अभी कितना का 1200-1300 का गेहूँ है ना। तो क्या करेगा किसान, घर में रखा हुआ है गेहूँ लेकिन कोई लेने वाला तैयार नहीं। लेकिन इससे तो खुश है ना, जो राम राज में 100 रुपये और सीता राज में 56 रुपये तेल, हाँ इससे खुश है? खुश तो है ये है, जो महंगाई बढ़ रहा है, खुश तो है ये है। आमदनी हो रही है कि नहीं? आमदनी कैसे होगा, आमदनी कैसे होगा? ठीक है, आपका नाम? शिव कुमार। पेट्रोल का दाम जो 12 दिन में तकरीबन 100 के आसपास कई राज्यों में पहुंच गया, बिहार में अभी नॉर्मल पेट्रोल 93 रुपये 51 पैसे है, इस पे क्या महंगाई पे क्या असर पड़ रहा है? महंगाई पे बहुत असर पड़ रहा है, दूध का दाम भी बढ़ गया। अच्छा, पेट्रोल हर चीज सामान का दाम बढ़ रहा है, मजदूरों का लेबर लेबरी मतलब जो सैलरी होता है वो सब बढ़ ही नहीं रहा है। अभी आपने कितने का पेट्रोल भराया? 150 का भराया है, मुश्किल से 1-2 दिन चलेगा, उसमें मीटर भी बड़ी स्पीड बात की है। सरकार से क्या आपका कोई रिक्वेस्ट है, अनुरोध है? यही है कि हर चीज को कम किया जाए या तो फिर सैलरी बढ़ाया जाए। पेट्रोल का दाम बढ़ने से क्या आप लोगों ने किराया भी बढ़ाया है अभी तक? नहीं अभी नहीं बढ़ाया। क्या तैयारी कर रहे हैं किराया बढ़ाने का? सोच रहे हैं लेकिन अब यहाँ पब्लिक और अपना यूनियन भी होना चाहिए। अच्छा अच्छा, जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो क्या नफा हो पा रहा है इस 12 दिन से? जो जी नहीं, घाटा बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार से कोई अनुरोध करना चाहिएगा? इतना दाम जो बढ़ा दिया गया है उसको कम करने का हम लोग मांग कर रहे हैं जी, बहुत तकलीफ हो रहा है। आपका नाम? गौतम ठाकुर। पेट्रोल का दाम बढ़ने से क्या आप लोगों ने अपना भी चार्ज बढ़ाया है? नहीं कुछ नहीं बढ़ाया, अभी तक नहीं बढ़ाया है? नहीं। अच्छा, ये लॉकडाउन के बाद आप लोग का व्यवसाय जो दोबारा रनिंग हुआ है कैसा चल रहा है? बहुत खराब है चल रहा है। अभी तक कितना लगन हो चुका है? अभी तक तो लगन चालू हुआ है। ये आज पहला लगन का है या दो तीन? नहीं, 5वां-7वां लगन चल रहा है। अच्छा, ये जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है
इस पे आप लोग कुछ कहिएगा सरकार को? बहुत कुछ कहेंगे। बताइए क्या कहना है आपका? क्या कहेंगे कि हम लोग सरकार बना के बहुत गलती किए, ऐसा को सरकार हम लोग नहीं चाहते। सरकार बना के गलती किए? बहुत गलती किए हम। सरकार तो करिए स्वदेशी अपनाइए, इलेक्ट्रिक अपनाइए। इलेक्ट्रिक अपना पैसा रहेगा तब ना अपनाएंगे। हम लोग पैसे नहीं तुम क्या अपनाएंगे? हम लोग नौकरी करने वाले इंसान है, हम लोग दिहाड़ी करने वाले, हम लोग नौकर आदमी। अच्छा एक मुख्य सवाल इसी पे, बिहार में कोई फिक्स नहीं है सैलरी का, किसी को 4,000, किसी को 5,000, 6,000, जबकि यही काम अगर बाहर राज्य में किया जाए तो वहाँ मिनिमम सैलरी 12 से। मंत्री के राज्य में भी फिक्स है लेकिन बिहार में नहीं है, फिक्स नहीं है। यहाँ के लेबर कमा कमा करके यहाँ के सेठों को राजा कर देते हैं लेकिन उनकी खुद की सैलरी का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई स्टार्टिंग रेट है, इस पे कुछ कहना चाहिएगा? सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, सरकार को देखभाल करना चाहिए। अगर इतना साल से जब देख रहे हैं तो अपना बिहार का तो कोई यही नहीं सुन रहा है, किसी सुनिए नहीं रहा, बिहार का आदमी तो मर रहा है सबके सब। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार सहनी हुआ। अभी जो है ना बात करने लायक है,